Compliance क्या चीज है? वेरी ब्रीफली इट्स द एबिलिटी ऑफ द लंग टू स्ट्रेच. कंप्लायंस इज चेंज, इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी, यानी डेल्टा से मुराद चेंज है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ओवर चेंज इन प्रेशर. ये आपने याद रखना है, ये कंप्लायंस है. सो जो भी डिस्टेंडिंग प्रेशर, आप जिस भी प्रेशर पे लंग को डिस्टेंड कर रहे हैं और वो डिस्टेंड होती जा रही है, इसकी एबिलिटी को कंप्लायंस कहते हैं. आप इसको वेरी रफली लेमन टर्म्स में स्ट्रेचेबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म. ठीक है, कंप्लायंस इज ए साइंटिफिक टर्म. लंग की कंप्लायंस क्या होती है? 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर वाटर ऑफ डिस्टेंडिंग प्रेशर. यानी हर डिस्टेंडिंग प्रेशर के एक सेंटीमीटर के बढ़ाने से लंग को, नॉर्मल लंग को, हेल्दी लंग को 200 ml स्ट्रेच करना चाहिए, फूलना चाहिए, डिस्टेंड होना चाहिए. ठीक है. हाँ, जब हम इसको लंग को थोरैसिक सिस्टम, ये सिर्फ लंग्स ओनली है, जब लंग्स को हम थोरैसिक सिस्टम के अंदर डालते हैं तो उसकी कंप्लायंस 110 रह जाती है, क्योंकि बहरहाल थोरैक्स बोन्स का बना हुआ है, तो वो लंग की जो की डिस्टेंसिबिलिटी को थोड़ा चेक करता है, क्योंकि ये बोन का बना हुआ है. ठीक है, तो ये बातें, ये टर्म्स याद रहनी चाहिए. ये दो बड़े अच्छे जुमले हैं, ये आपको याद होने चाहिए. इसमें आपके कई MCQ सॉल्व हो सकते हैं. हाई कंप्लायंस लंग स्ट्रेचेस इजिली, ऑब्वियसली बात है, कंप्लायंस ज्यादा होगी तो ज्यादा आराम से स्ट्रेच होगी, और लो कंप्लायंस लंग डज नॉट. ठीक है, ओके. अब ये जो कंप्लायंस है, दो फैक्टर्स हैं जो इस लंग कंप्लायंस को इफेक्ट करते हैं. एक लंग का नेचुरल इलास्टिक रिकॉयल है, जो इसलिए रिकॉयल, यानी लंग जो है अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो वो सुकड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी. क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी? क्योंकि उसका लंग का जो टिश्यू है उसमें इलास्टिन और कॉलेजन फाइबर्स भरे हुए होते हैं. ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जो लंग को की कंप्लायंस के अगेंस्ट जाएगी. ठीक है, लंग फैलना नहीं चाहती, लंग चाहती है कि वो सुकड़े, नेचुरल उसका रिकॉयल है. ठीक है, आप इस रिकॉयल के अगेंस्ट जाते हैं इंस्पिरेशन में जब आप उसको खोलते हैं या डिस्टेंड करते हैं. तो ये एक बात समझने वाली है. दूसरी बात क्या है? सर्फेस टेंशन. आप जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सर्फेस टेंशन उस वक्त होती है जब कोई भी लिक्विड और एयर का इंटरफेस होता है. तो क्या लिक्विड क्या करता है? जैसे एयर के साथ वो इंटच आता है तो जो लिक्विड के जो सर्फेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके टेंशन में चले जाते हैं, उसे सर्फेस टेंशन कहते हैं. सो एल्वियोलाई में, जैसे हमने पढ़ा था कि एक लेयर ऑफ फ्लूइड होता है जो लाइन कर रहा होता है एल्वियोलाई को. ठीक है, वो भी जाहिर है फ्लूइड है. ठीक है, तो जैसे ही वो इनकमिंग एयर के साथ इन टच करता है तो उस फ्लूइड में, एल्वियोलर फ्लूइड में हल्का सा फ्लूइड होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं होता, एक थिन लेयर सी होती है, उसमें वही सरफेस टेंशन डेवलप होती है जो बाहर पड़ी हुई बाल्टी में के टॉप सरफेस पे होगी जब आप उसको बाहर रखेंगे कपड़े धोने के लिए. ठीक है ना, तो अगर एल्वियोलर सर्फेस के अंदर जो फ्लूइड है उसमें सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है तो वो एल्वियोलाई को कोलैप्स करेगी. तो ये भी आपके कंप्लायंस के अगेंस्ट ही जाएगा. So, in summary, lung recoil की जो property है वो एक तिहाई, 1/3 है उन forces के जो lung को collapse करना चाहते हैं. ठीक है, और surface tension की 2/3 forces, क्योंकि alveoli ढेर सारे होते हैं, उनके अंदर fluid है और वो सारा, वो जो मैंने अभी समझाया आपको surface tension का जो एक tension create हुई भी होती है, तो 2/3 surface tension forces होती हैं और 1/3 lung recoil forces होती हैं, which tend to collapse the lung या contract the lung, यानी उसकी stretchability के against काम कर रही होती हैं. तो जब आप lung को distend करोगे तो इसके और इसके against आप काम करोगे, ज्यादा जो है वो surface tension का मसला होता है, recoil का मसला कम होता है. ये इसके clinical implications हैं, लेकिन basically concept ये बड़ा important है. clinical service में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो premature babies होते हैं उनमें ये जो surface tension वाला मसला normal baby में नहीं होता. नॉर्मल बेबी में क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक वो बॉर्न होता है, अगर वो फुली टर्म पे, फुल मैच्योर 9 months के बाद बॉर्न करता है, होता है, तो उसमें एक चीज होती है सर्फेक्टेंट. ये नॉर्मल एल्वियोलर सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ये सर्फेक्टेंट जो है ये सर्फेस टेंशन को कम करता है. हाउएवर जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट वाला जो सब्सटेंस है वो नहीं होता, इसलिए प्री मेच्योर बेबीज के लंग जो है वो कोलैप्स्ड होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं, और उनको एक मेडिकली उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जब तक वो मैच्योर ना हो जाएं और सर्फेक्टेंट बनाना शुरू ना कर दें.